सो है गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू अर चैनल अगेन सो गाइस आज का क्वेश्चन है लेट का क्वेश्चन का नंबर मैंने लिखा नहीं यहाँ पर तो क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट रोटेट इमेज तो क्वेश्चन को पढ़ हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है तो क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन एन एन इन टू एन टू डी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटिंग एन इमेज रोटेट द इमेज नाइन्टी डिग्री क्लॉक वाइज मतलब हमको इमेज को ऐसे घुमाना है ऊपर को ठीक है नाइन्टी डिग्री तो यू हैव द यू हैव टू रोटेट द इमेज इन प्लेस विच मीन्स यू हैव टू मॉडिफाई द इनपुट टू डी एरे डायरेक्टली तो आपको बोला है कि जो भी आपको इनपुट दिया होगा ना आपको उसी को रिटर्न करवाना है आप कोई अलग से एरे बना के उसको रिटर्न नहीं कर सकते डो नॉट एलोकेट अनदर टू डी मैट्रिक्स एंड डू द रोटेशन देखो ये बोला है कि एक और टू डी मैट्रिक्स और को बना के उसको रोटेशन मत करना आपको उसी के अंदर करना है तो बस इसी कारण से ये बस इस इसी लाइन से इस क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा बन जाता है ठीक है ना तो हमने ये करा है हमने मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा इसमें एक तो पहला होगा ब्रूट फोर्स जिसमें हम ऑब्वियसली एक अल अलग टू टू डी एरे लेंगे और उसमें अपना जो है सोल्यूशन डाल देंगे और पहले में करेंगे हम पहले हम ब्रूट फोर्स में एक अलग से टू डी एरे सेम साइज का लेंगे और उसमें इसको रोटेट करवा देंगे इसका डाटा तो इसका डाटा वापस ओरिजिनल वाले में डाल देंगे तो ये मतलब ए, सीखने के लिए अच्छा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया कि हमको यूज नहीं करना तो हम ब्रूट फोर्स में यूज़ करेंगे और इसके अलावा जो हम दूसरा दूसरा मार्सलूशन होगा उसमें हम कोई भी स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस देंगे हम उसी के अंदर इसको आंसर uh, को लेके आएंगे और उसको रिटर्न करेंगे वो होगा ओवन स्पेस में और दोनों के दोनों की ना uh, दोनों दोनों हंड्रेड परसेंट शो कर रहे हैं तो दोनों फास्ट है वैसे बट uh, हम जो है uh, पहले इसको सीखेंगे ब्रूट फोर्स को उसके बाद दूसरे पर जाएंगे तो देख लेते हैं फटाफट क्या अप्रोच होगी तो अप्रोच क्या होगी देखो यहां पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ठीक है ना और आउटपुट देखो सेवन एट नाइन फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री मतलब ये जो लाइन है ना ये हमको ऐसे आ रही है देखो ऐसे आ रही है फिर ये जो लाइन है ये हमको इस तरीके से आ रही है ये इस तरीके से आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि अगर ब्रूट फोर्स मुझे करना है तो मैं क्या करूंगा यहां से ट्रेवल्स करूंगा यहाँ से ट्रेवल्स करूँगा और मैं इसको एक अलग एरे में स्टोर करवा लूँगा मतलब मैंने मान लो मैंने सेम साइज़ का जितना साइज का ये ओरिजिनल एरे है उतने साइज का मैंने एक और एरे बना लिया और उसमें मैंने क्या करा उसमें मैंने ये वाला डाटा यहाँ से ऐसे ट्रेवल्स किया यहाँ से ऐसे ट्रेवल किया सेवन वन फोर सेवन है और यहाँ पर सेवन फोर वन है तो यहाँ से भी देखो मिल रहा है ऐसे करके तो मेरे को अगर देख मैं देख पा रहा हूँ कि वन फोर सेवन को अगर मैं सेवन फोर वन लिख दूँ सेवन फोर वन लिख दूँ और टू फाइव एट को मैं अगर मैं एट फाइव टू लिख दूँ और थ्री सिक्स नाइन को मैं अगर नाइन सिक्स थ्री लिख दूँ और ये मेरा इनपुट uh, हो जाएगा एक फिर मैं इसी को इसी अपने इनपुट को इसमें अपने ओरिजिनल वाले में वापस ट्रांसफॉर्म कर दूंगा और उसी को रिटर्न कर दूंगा तो मेरा एक ब्रूट फोर्स अप्रोच हो सकता है तो इसको देख लेते इसको इसको मैंने कैसे करा है? क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है दूसरे लोगों को समझने के लिए ठीक है ना तो इसको देख लेते हैं ये रहा ब्रूट फोर्स तो ये ब्रूट फोर्स है इसमें मैंने क्या कर करा सिंपल वही अपना रो कॉलम लेंगे देखो तो इसमें ना रो और कॉलम सेम बोला गया मतलब इसमें बोला गया कि एम इंटू एम एन इंटू एन मैट्रिक्स है तो इसमें दोनों रो और कॉलम सेम ही होंगे लेकिन फिर भी क्या है फिर भी मैंने अलग से ले लिया उन दोनों को दोनों को अलग से ले लिए उसको मैंने एक रिजल्ट मैट्रिक्स बना लिया रो इंटू कोलम का साइज़ का ठीक है ना उसको मैंने करा रहा जे ले लिया एक एक के ले लिया जे और के क्यों लिया बताता हूँ आपको मैं मैं क्या चाह रहा हूँ मैं चाह रहा हूं कि सिंपली मेरे को ये वाला डाटा वन फोर सेवन सेवन फोर वन के फॉर्म में चाहिए तो मेरे को इस तरीके से ट्रेवल्स करना होगा मतलब नीचे से लेके ऊपर तक कॉलम में नीचे से लेके ऊपर तक ये कॉलम है ना कॉलम में नीचे से लेके ऊपर तक तो इसलिए मैंने करा मैंने एक वाइल्ड लूप चला लिया वाइल्ड लूप के अंदर मैं लिख दिया कि जब तक जे जो है जे कॉलम के बराबर नहीं आता कोलम में रो कुछ भी डाल सकते हो आप यहाँ पर आर आर ओ भी डाल सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोनों बराबर ही हैं जब तक तो ये बराबर नहीं हो सकता कोलम के जो कुछ जीरो है ना जब तक जीरो जो है मतलब लेस देन थ्री है तब तो चलता रहे तब तक क्या चलेगा तब तक ये चलेगा फोर लूप फोर लूप मैं नीचे से स्टार्ट कर रहा हूँ रो माइनस वन आप यहाँ से कोलम माइनस वन कर सकते थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी कोलम माइनस वन तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से यह देखो यहाँ पर मैंने दिया भी हुआ है इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ठीक है अब देखो यहां पर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूँ दो से स्टार्ट कर रहा हूँ दो यहां पर दो है ना ये देखो ये ये देखो ये देख इंडेक्सिंग यह देख, यह है यहां पर ठीक है ये इंडेक्सिंग आपको समझ समझाने के लिए मैं लेके आया हूँ तो यहां दो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कहां तक तो जा रहा हूँ ऊपर जीरो तक यहाँ जीरो तक जा रहा हूँ और मैं क्या डाल रहा हूँ रिजल्ट मैट्रिक्स में क्या डाल रहा हूँ रिजल्ट मैट्रिक्स है जे और के में जे और क्या क्या है जीरो 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 में मैं डाल रहा हूँ आई जे आई क्या है यहाँ पर दो दो और जे क्या है यहां पर जीरो ठीक है ना मतलब मैं बोल रहा हूं कि इस वाले को इस वाले को इस रिजल्ट वाले मैट्रिक्स के अंदर यहां पर डाल दो जो भी यहां पर एलिमेंट है उसको यहां पर डाल दो उसको मैं सिंपली के प्लस प्लस कर रहा हूं मतलब मैं क्या कह रहा हूं के को आगे बढ़ाओ जो के है ना ये देखो ये तो जीरो तो यहीं पर रह यहीं पर रह रहा है जे जो है जे जीरो है जे तो यहीं पर रह रहा है लेकिन के को मैं कह रहा हूं के आगे बढ़ जाए मतलब अगला पॉइंटर यहां पर आ जाए ठीक है ना और ये वाला जो इसमें का जो अगला पॉइंटर है चला जाए वो यहां चला जाए इसके ऊपर ठीक है ना मैं बोल रहा हूं पहले इटरेशन में कि इस वाले को यहां कर दो फिर इसको आगे बढ़ा दो और इसको इसको ऊपर बढ़ा दो इसको ऊपर बढ़ा दो फिर इस वाले को यहां बढ़ा दो फिर इस वाले को ऊपर बढ़ा दो तो मैं बेसिकली ये बोल रहा हूँ फिर जब अगली इटरेशन होगी ना अगली इटरेशन को तो ये माइनस माइनस हो जाएगा मतलब ये ये देखो ये तो यहाँ पर रहेगा लेकिन जे क्या है जे प्लस प्लस हो रहा है और के वापिस से जीरो कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ के वापिस ये हमारा ये वाला जो है ये वाले जा रहे हैं जो ये के है ये के है तो मैं चाह रहा हूँ के को वापिस जीरो हो जाए क्योंकि के तो यहां पर दो पहुंच गया है। के यहाँ पर दो हो गया यहां पर पूरी इट्रेशन के बाद ये वाली पूरी इट्रेशन के बाद के दो हो गया तो के को वापिस जीरो कर रहा हूँ ठीक है ना के को वापिस जीरो को और जे को बढ़ा रहा हूं मतलब जे ये जो ये ये जो फर्स्ट है ना ये फर्स्ट है ये जे है ये जे है तो मैं जे को बढ़ा रहा हूँ मतलब जे को बढ़ा रहा हूं जीरो से एक कर रहा हूं एक से दो कर रहा हूं और के को उतने कर रहा हूं के को उतने कर रहा हूं ठीक है ना इस तरीके से मैं ट्रेवल्स कर रहा हूं इस पर आप थोड़ा एम्पथाइज कीजिएगा ठीक है ना ये अगर आप गौर से समझेंगे ना देखेंगे इसको वीडियो पॉज करके तो आपको समझ आ जाएगा ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बस यही करा मैंने कि सिंपली मैंने हम ये वाला डाटा ये वाला डाटा इसको ऊपर कर दिया इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसको यहाँ पर कर दिया मतलब एक दूसरे मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर कर दिया अगर मैं इसी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर करता तो मेरा डाटा मतलब ये जो हो नहीं पाता मिसमैच हो जाता है एलिमेंट ओके ये एलिमेंट यहाँ पर आ गया फिर अगले स्टेशन में भी पुरानी वाला एलिमेंट आता इसलिए हम सेम में नहीं कर सकते हम हमको पहले अलग में करना पड़ेगा फिर अलग वाले को मैंने क्या करा अलग वाले को वापस ट्रांसफॉर्म कर दिया इस वाले मतलब ओरिजिनल वाले में डाल दिया मतलब मैट्रिक्स एम और जो हम ट्रैवल करते हैं नॉर्मली जो नॉर्मल ट्रेवल्स करते हैं आई जे लेके मैंने यहाँ पर एम और एन लिया क्योंकि यहाँ पर आई जी ऑलरेडी ले रखे इसलिए एर ना दे इसलिए सिंपली मैंने एम एम जीरो से लेके आर आर ओ तक एन जीरो से लेकर गोलम तक चला लिया और इसमें सिंपली मैट्रिक्स को एम एम एन में रिजल्ट ऑफ एम एन कर लिया ठीक है ना इसी मैंने आ, मतलब एक्स्ट्रा स्पेस लेके पहले उसमें डाला फिर उसमें ओरिजिनल ओरिजिनल वाले में वापस डाल दिया ठीक है ये ब्रूट फोर्स हो गया ये ब्रूट फोर्स हो गया ये भी फास्टर शो कर रहा है ठीक है लेकिन हम ये बस सीखने के लिए समझ रहे हैं आप चाहे तो एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा ठीक है उसके बाद ये हमारा ओपटी मतलब अप्रोच होगा ये हमारा ओवन टाइम में होगा ओवन स्पेस में सॉरी तो इसको मैं थोड़ा इमेज को बड़ा कर लेता हूँ इस वाले को मैं थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ देखो मैंने करा मैंने इस वाले में ना सिर्फ दो फंक्शन कॉल करे हैं इस दो फंक्शन में काम हो गया एक ट्रांसपोज का फंक्शन एक स्वैप का फंक्शन ठीक है ना

इसको मैंने ट्रांसपोर्ट में कॉल किया जब तो मैंने ट्रांसपोर्ट में इसको कॉल किया ना इसमें इसमें कॉल किया जब ये वाला मैंने कॉल किया तो ये इसने इसको ऐसे बना दिया कैसे ये ये कैसे डिफरेंस है इससे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यहाँ पर क्या है वन फोर सेवन टू फाइव एट मतलब ये जो है ना ये वन फोर सेवन ये यहाँ पर आ गया फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम है वो सेकेंड रो में आ गया कॉलम होता है ना ऐसे कॉलम होता है और ऐसे रो होता है इससे क्या फायदा हुआ इससे ये फायदा हुआ अभी मैं आपको बताता हूँ एक मिनट ये हमारा आंसर है ये देखो मैं आंसर भी लेके आ गया यहाँ पर ये आंसर है हमको ऐसे है करना था यहाँ ये हमको इनपुट दिया था हमको आउटपुट ऐसे दिया था सेम एरे में तो जब हम हमने, हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया अभी ये मैं देखो कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार क्या हो रहा है जब हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया ना वन फोर सेवन टू फाइव एट थ्री सिक्स नाइन में तो इसको ऐसे कन्वर्ट करना बहुत ईजी होगा कैसे कि हमको सिर्फ ये वाले एलिमेंट स्वैप करने हैं एक बार मैं इसको मिटा लेता हूँ हमको सिर्फ ये वाले एलिमेंट स्वैप करने हैं सिर्फ स्वैप करने हैं एक एक और सात को स्वैप करना है आठ और दो को स्वैप करना है तीन और नौ को स्वैप करना है तो ये ओरिजिनल की तरह ऐसे बन गया देखो ओरिजिनल की तरह ऐसे बन गया एक और सात को स्वैप किया सात एक बन गया दो और आठ को स्वैप किया दो आठ दो बन गया तीन और नौ को स्वैप किया और नौ तीन बन गया स्वैप कैसे होगा हो क्यों होगा हो क्या करना है कैसे करना है वो सब समझाने वाला हूँ लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि हाँ ये क्या कर रहा है मतलब अप्रोच क्या होगी तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर और एलिमेंट होते तो वो और एलिमेंट होते तो और भी अगर एक और लाइन होती है यहाँ पर तो उसको भी स्वैप करता वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसको स्वैप करता मतलब मतलब क्या स्वैप क्या हो रहा है स्वैप में क्या हम कैसे बोल सकते हैं स्वैप को क्या चीज स्वैप हो रही है स्वैप हो रहा है फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम के साथ स्वैप हो रहा है सेकंड कॉलम फिर सेकंड अगर यहां को सेकंड लास्ट को कॉलम होता है सेकेंड लास्ट कॉलम के साथ स्वैप हो गया तो इस तरीके से स्वैप हो गया मतलब ये नहीं स्वैप हो यहां पर स्वैप हुआ है मतलब फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम के साथ और सेकंड कॉलम जो अगर सेकंड के लास्ट कॉलम होता तो सेकंड लास्ट कॉलम के साथ ठीक है ना इस तरीके से स्वैप हुआ तो ये हमको आंसर ये मिल गया मतलब हमने से सेम ही मैट्रिक्स के अंदर सोल्यूशन अपना निकाल लिया ठीक है ना? अब हम समझते हैं कि हमने इसको इसको यहाँ से और ये इनपुट एरे से ये कैसे कन्वर्ट किया इसको ट्रांसपोर्ट्स को बोलते हैं ट्रांसपोर्ट्स मतलब क्या होता है सिंपल टर्मोलॉजी है कि हम क्या करते हैं हम ऐसे से चलते हैं ऐसे चलते हैं देखो ऐसे ऐसे मतलब उल्टा डायगनली लगा लो डायगनली चलते हैं हम डैगिन चल के अपने एलिमेंट को स्वैप करते रहते हैं जो हम यहाँ चल रहे हैं ना तो कुछ नहीं हो रहा क्योंकि एक एक से स्वैप हो रहा है फिर हम यहाँ चल रहे हैं तो दो और चार स्वैप हो रहे हैं देखो दो और चार स्वैप स्वैप हो रहे हैं जब सात और पाँच छः चलते हैं तभी सात पाँच छः आपस में स्वैप होते हैं मतलब सात और पाँच पहले होएगा नहीं ये होगा तीन और सात पहले होगा उसके बाद बीच वाला एलिमेंट नहीं होता बीच वाला एलिमेंट नहीं होगा बीच वाला एलिमेंट वैसे रहेगा बीच वाला एलिमेंट का स्वैप भी हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो सेम ही है सेम ही रहेगा ये वाला और ये वाला एलिमेंट स्वैप होते हैं फिर ये वाले और ये वाले एलिमेंट स्वैप होते हैं ये वाला है. अब देख समझते हैं कि कैसे चल रहा है ठीक है ना अभी मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से दिख जाए ये देखो आई जीरो से लेके आई रो तक और जे चला रहे हैं हम आई प्लस वन से लेके कोलम तक यहां पर रो भी ला सकते थे आप मैं आपको समझा दिया कि रो और कॉलम बराबर है इस क्वेश्चन के अंदर फिर भी मैं अलग अलग उसको लेके चल रहा हूँ ताकि तो मेरे को पता हो कि मैं मेरा कौन सा पॉइंटर कहाँ पर घूम रहा है ठीक है ना आई चलाया हमने जीरो से लेके मतलब आई चला यहाँ से लेके कॉलम तक कॉलम तक और जे चला आई प्लस वन से लेके ले ठीक है ना कॉलम तक आई चला आ... आई देखो आई चला जीरो से लेकर रो तक रो कैंड तक और जे चला आई प्लस वन से लेके जे यहां से चल रहा है आई प्लस वन से लेकर कॉलम को, तक कोलम कैंड तक ठीक है अब मैंने करा मैंने एक टैंप वेरिएबल लिया जो स्वाइपिंग में करते हैं हम स्वाइपिंग मैंने क्या स्वाइप किया मैंने किया मैट्रिक्स आई जे क्या मैट्रिक्स ऑफ आई जे आप क्या मैट्रिक्स ऑफ आई जे क्या आई तो हमारा जीरो है और जे हमारा आई प्लस वन है जीरो प्लस वन मतलब ये ये अभी ये वाला पॉइंटर कर रहा है इसको मैंने टैंप में स्टोर कर लिया यहाँ पर जो भी एलिमेंट है यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसको मैंने टैंप में स्टोर कर लिया मतलब ये वाले को आ, मतलब ये वाले को मैंने टैंप में स्टोर कर लिया टैंप ये इंडेक्स और ये वैल्यू दोनों को मैं बता ना साथ, साथ बता बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए ठीक है ना उसके बाद मैंने करा उसके बाद मैंने मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ जी आई आप समझो यहाँ पर सेम को मैंने स्टोर किया था टैंप में सेम को मैंने टैंप में स्टोर किया था अब उसी में मैं बोल रहा हूँ उसी के अंदर क्या डाल दो आप जी आई डाल दो जी आई क्या है अभी देखो ये डायग्नली मैंने बोलता था ना ये डायगनली स्वैप करता है ऐसे करके डायगनली स्वैप करता है अब यहाँ पर देखो डायगनली स्वैप करने के लिए हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा इंडेक्स जीरो वन होगा तो उसको वन जीरो स्वैप करो इंडेक्स जीरो टू होगा तो उसको टू जीरो स्वैप करो इंडेक्स वन टू होगा तो उसको टू वन स्वैप करो डायगनली में हमेशा ऐसे होता है इंडेक्सिंग होती है जो एक दूसरे क्रॉस होती है ठीक है ना अगर हमने डायग्नली को स्वैप करना है तो उसके हमको क्रॉस को स्वैप करना पड़ेगा मतलब अगर इंडेक्स नंबर जीरो वन है तो मतलब ना इस तरीके से मैंने किया पहले मैंने आईजे को स्टोर कर लिया कहीं पर एक टाइम स्टोर कर लिया उसके बाद मैंने आईजे को स्वैप कर लिया जे आई से मतलब इस वाले को स्वैप कर लिया इस वाले से मतलब इस वाले को स्वैप कर लिया इस वाले से मतलब इस वाले को ये वाला ऐसे हो गया ठीक है ना इस वाले को स्वैप किया इस वाले से तो ये वाला ऐसे हो गया उसके बाद मैंने क्या कर करा जे आई में वापस टैंप डाल दो देखो अब हम इसको स्वैप तो कर रहे हैं तो हमको एक एक तो आपको आ, आ, मैं होप कर रहा हूँ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो कोई जैसे करते करते तो आपको पता होगा कि स्वैपिंग में हम एक टाइम वेरिएबल लेके चलते हैं ताकि हमारा इंडेक्स खो ना जाए मतलब ठीक है ना हमारा डाटा लॉस ना हो जाए ठीक है ना डाटा लॉस ना होने के पहले मैंने इसको दो में स्वैप किया फिर चार को फिर इस इस वाले में इस वाले में चार डाल दिया और चार वाले में ये डाल दिया टैंप जो मैंने स्टोर किया था ठीक है ना इस तरीके से हम इसको स्वैप कर रहे हैं फिर यहां स्वैप कर रहे हैं फिर यहां स्वैप कर रहे हैं अब देखो अगली ट्रेशन में क्या होगा पहली ट्रेशन में तो ये स्वैप हो गया अगली ट्रेशन में क्या होगा ये आई बन जाएगा वन है ना और जे बन जाएगा आई प्लस वन मतलब जे बन जाएगा टू तो यहां पर आ जाएगा पॉइंटर पॉइंटर यहां पर आ जाएगा देखो जे आई बन गया आई बन गया वन और जे बन गया आई प्लस वन मतलब जे बन गया टू तो ये क्या हो गया वन और टू अब वन और टू तो यहां पर है वन और टू वन और टू किसके साथ स्वैप कर रहा है ये मैट्रिक्स ऑफ जे आई इसके साथ स्वैप कर रहा है स्वैप पहली इट्रेशन में ये स्वैप हो रहा है हमारा और ये स्वैप हो रहा है ठीक है ना ओके एंड तक चल रहा है ना ये एंड तक तो चल रहा है तो पहले एटरेशन में हमारा ये स्वैप हो रहा है और दूसरे एट्रेशन में हमारा ए स्वैप हो रहा है इस तरीके से चलता रहेगा ये बीच वाले एलिमेंट को छोड़ता रहेगा ठीक है ना तो ये बस फंडा होता है ट्रांसपोर्ट का आप थोड़ा गोरी करिए करिएगा इसमें ठीक है मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी इसमें कि कैसे चल रही है आई हो आपको समझ हो कि क्या होता है सिंपल सिंपल इंडेक्सिंग स्वैप होती है ठीक है ना आई प्लस जी अगर हम इसको आई से भी चलाते हैं ना तब भी चल जाता पर मैं आपको इतना कन्फ्यूज नहीं करना चाहता ठीक है ना हम सिंपल करेंगे आई चलाएंगे जीरो से लेके और जे चलाएंगे आई प्लस वन से लेके और आई जे को आपस में स्वैप कर देंगे आई जे को स्वैप कर देंगे जे आई से ठीक है ना सिंपल तो हमारा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा मतलब ऐसे से हमारा ऐसे बन जाएगा ऐसे से हमारा ऐसे बन जाएगा ठीक है ना उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद मैंने एक स्वैप फंक्शन लिखा है मेरे को इसको ऐसे से ऐसे बनाना है ऐसे से मेरे को इसको ऐसे बनाना है वन फोर सेवन को सेवन फोर वन करना है मतलब इसको ऐसे स्वैप करना है इसलिए मैंने इसको नाम दिया स्वैप अब मैं स्वैप कैसे कर रहा हूं थोड़ा देखो अब स्वैप कैसे हो रहा है मैंने लिया लास्ट कॉलम मतलब मैं एक पॉइंटर लेकर चल रहा हूं यहां पर मैं इसको मिटा लेता हूँ एक बार मैं इसको एक बार मिटा लेता हूँ मैं एक पॉइंटर लेके चल रहा हूं इस पे अरे यार ये पेन बहुत खतरनाक है मेरे पास यार एक पॉइंटर मैं यहां लेके चल रहा हूं और एक पॉइंटर मैं यहां लेके चल रहा हूं ठीक है ना मैं यहां लेके चल रहा हूं और मैं ये कर रहा हूं मैं ये लूप चला रहा हूं जब तक ये पॉइंटर मेरा ये फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम मेरा जब तक बराबर नहीं मतलब लेस है जब तक बराबर नहीं आ जाते एक दूसरे के साथ मिल नहीं जाते तब तक ये चलता रहेगा चलता रहेगा तो उसमें क्या होता रहेगा उसमें ये होता रहेगा उसमें क्या हो रहा है मैंने एक लूप चलाया लूप में मैं कर रहा हूं मैं बताया देखो अब यहां पर जो लूप चल रहा है ना वो ऐसे ट्रेवल्स नहीं करेगा वो ऐसे ट्रेवल्स करेगा ठीक है ना लूप चलने के कई तरीके होते हैं जैसे इसमें जो लूप है इस वाले ऊपर ट्रांसपोर्ट में लूप कैसे चल रहा था ट्रांसपोर्ट में लोग ऐसे ट्रेवल्स कर रहा था ठीक है ना ऐसे ट्रेवल्स कर करके वो जो अपने इंडेक्स को स्वैप करता जा रहा था ठीक है ना इसमें क्या कर रहा है इसमें जो है इसमें लूप चलेगा इस तरीके से नीचे नीचे को मतलब कॉलम की तरफ ठीक है ना कैसे आई जीरो से लेके आई लेस देन रो तक रो या कॉलम कुछ भी लगा सकते हो हम मैंने कहीं पर भी रो ले लिया कहीं पर भी कॉलम ले लिया क्योंकि दोनों बराबर है लेकिन मैं आपको लिख के देता रहा हूं तक चलेगा तो कॉलम से हम कॉलम लेंगे आई जीरो आई लेस देन रो तक आई प्लस प्लस अब इसमें स्वैप का हो रहा है स्वैप हो रहा है मैट्रिक्स ऑफ आई फर्स्ट कॉलम में स्टोर हो रहा है टाइम पर मेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ आई क्या है? मैट्रिक्स ऑफ आई क्या है आई और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम आई क्या है आई हमारा जीरो है फर्स्ट कॉलम क्या है फर्स्ट कॉलम में हमारा जीरो है तो ये वाला डाटा स्टोर हो गया टाइम में स्टोर हो गया ठीक है अगले दिन क्या बोल रही है अगले दिन बोल रही है मैट्रिक्स ऑफ आई एंड फर्स्ट कॉलम को बना दो मैट्रिक्स ऑफ आई लास्ट कॉलम मतलब क्या है लास्ट कॉलम क्या है ये वाला तो इस वाले को इस वाले को ये बना दो मतलब यहां पर डाल दो सात यहां डाल दो सात फिर मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक्स ऑफ आई लास्ट कॉलम को बना दो टेम्प मतलब इस वाले को बना दो सात को बना दो वन ठीक है ना जो टेम्प में स्टोर किया था हमने इस तरीके से फिर उसके बाद क्या करा मैंने लूप के बाहर आके लूप के बाहर आके इसको माइनस माइनस कर दिया देखो अभी तो यहां पर हमारे तीन एलिमेंट थे वन फोर सेवन थे इसलिए हमारा लूप सिर्फ एक बार चला एक बार चला और हमारा खत्म हो गया लूप एक बार में चल के चल के खत्म हो गया लेकिन अगर हमारे पास एलिमेंट इतने होते हैं ना चार एक चार सात नौ तीन तभी लूप हमारा ऐसे चलता ये स्वैप होता ये स्वैप होता फिर ये आई आगे बढ़ता आई यहाँ पर आता ठीक है ना फिर ये स्वैप होता और लास्ट कॉलम स्वैप होता ठीक है ना लास्ट कॉलम स्वैप होता इस तरीके से ही आगे बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता सॉरी सॉरी मैंने गलत बताया आपको अभी ये ऐसे नहीं ऐसे नहीं अभी मैं रो में लेके चल रहा हूँ ना इसको देखो देखो ये स्वैप हुआ ये स्वैप हुआ मैंने आपको अभी आप को बताया भी था ये वन स्वैप हुआ साथ के साथ उसके बाद नीचे की तरफ चल रहा ना ये नीचे की तरफ चल रहा है तो ये स्वैप हुआ इसके साथ ये देखो जब ये आगे बढ़ा ना जब ये आगे बढ़ा आई आई वन हुआ आई वन हुआ वन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम तो जीरो ही है लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम क्या है आई और लास्ट कॉलम लास्ट कॉलम भी जीरो है तो ये स्वैप हुआ इसके साथ अं, मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू मैट्रिक लास्ट कॉलम तो लास्ट कॉलम भी जीरो है सॉरी लास्ट कॉलम तो ये था लास्ट कॉलम ये है तो लास्ट कॉलम ये है लास्ट कॉलम क्या था हमारा तीन ये दो लगा लो वो जीरो वन टू जीरो सेक्स से लगाते हैं दो लगा सकते हैं मैं इसको ना ब्लैक पेन कर लेता हूँ यार ठीक है ना देखो आप फिर जब लूप आगे बढ़ा तो इसने इसका साथ स्वैप किया इसको ठीक है ना फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम फर्स्ट कॉलम के, uh, के मतलब फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म हो गया फिर लूप, लूप से बाहर आया तो इसने कॉलम को माइनस माइनस करा और फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम को माइनस माइनस करा और फर्स्ट कॉलम को plus. मतलब क्या करा फर्स्ट कॉलम को इसने क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया मतलब इसने करा इसको आगे बढ़ा दिया अब मैं मान लो यहाँ पर लिख लेता हूं इसको इसको मैं एक बार मटा लेता हूँ अभी यहाँ पर तो हमारा था ही ना अगर मान लो यहाँ पर एक आधी लाइन और होती वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ऐसे होता तो इसने पहले इसको स्वैप कर दिया ठीक है ना पूरा लूप चला इसको स्वैप कर दिया इसमें इसमें पूरा लूप चला उस स्वैप कर दिया उसके बाद यहाँ पर आया तो लास्ट कॉलम माइनस माइनस मतलब ये लास्ट कॉलम को बोल दिया तो आगे बढ़ जा ठीक है ना और फर्स्ट कॉलम को बोल दे तो यहाँ से आगे बढ़ जा यहाँ से यहाँ पर तो यहाँ देखना शुरू कर दें फिर अगले लूप में ये इसको स्वैप करेगा इसको स्वैप करेगा और तब तक करेगा जब तक फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम एक दूसरे से कम है अगर वो जिस टाइम बराबर हो जाएंगे तो बाहर आ जाएगा इस तरीके से हमारा जो आंसर है पहले ऐसे बने ऐसा बना था फिर ऐसे से ऐसे बन जाएगा और हम उसको रिटर्न कर देंगे तो दोनों दोनों मेथड आपको मैंने समझा दिया ठीक है ना आई होप आपको समझ आया हो कि डायगनल में हम क्या करते हैं ट्रांसफोर्स में हम डायगनली स्वैप करते हैं सिंपल बस इसमें थोड़ा गोर करिएगा ठीक है ना और उसके बाद और उसके बाद मैंने करा उसके बाद सिंपली उस ट्रांसपोस मैट्रिक्स को सिंपली उसके कॉलम स्वैप कर लिए फर्स्ट कॉलम को लास्ट कॉलम का स्वैप कर लिया तो हमारा ये हो गया तो इस चला तो के देखते हैं कोड को देखो दोनों मैंने मेथड मैं तो यहाँ पर लिख रखे हैं ओवन स्पेस से तो पहले मैं ओवन स्पेस वाला तो चला के देखता हूँ इसको मैं इसको एक बार कमेंट कर लेता हूँ ठीक है सबमिट करता हूँ ये शायद इन आइडेंटेशन थोड़ी गलत हो गया ठीक है यहाँ पर मेरे को इसको कमेंट करना पड़ेगा चलेगा वैसे पर फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बारी ताकि आपके मन में कोई व्यायाम ना रहे ट्रांसपोस्ट ठीक है यहाँ पर मेरे को इसको कमेंट करना पड़ेगा तो देखो ये चल गया ये भी हंड्रेड परसेंट आ रहा है लेकिन जब मैं इसको मैं कमेंट कर दूंगा तो उसके बाद मैं इसको चला देता हूँ तो इसको मैं रन करता हूँ अभी भी देखो दिक्कत होगी चल जा भाई देखो तो ये भी चल रहा है तो इसके इसका मैं कोड डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में ठीक है ना और एनस्केयर कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी क्योंकि पूरा का पूरा रो और कॉलम को ट्रेवल्स कर रहे हैं तो पहले वाले का ऑफ ओ, 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 एन स्पेस होगा और दूसरे वाले में सिर्फ ओवन स्पेस के साथ एनस्केयर कॉम्प्लेक्सिटी होगी तो ये टाइम एंड कॉम्प्लेक्सिटी थी इसकी तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ठीक है ना बहुत मेहनत लगती है यार थोड़ा सा एफर्ट को हमारे भी थोड़ा अप्रिशिएट कर हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फालतू आलतू चैनल तो बहुत सब्सक्राइब करते होंगे आप ना हैश टैग का बदाम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस टेक केयर बाय